चेन्नई में बारिश का कहर, बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारी बारिश के कारण सड़कें तालाब में तब्दील, मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। रनवे पर पानी भरने से चेन्नई एयरपोर्ट हुआ बंद, 700 से 800 यात्री पिछले 24 घंटे से एयरपोर्ट पर फंसे। शहर में पानी भरने के कारण घरों में फंसे लोग। भारी बारिश के कारण रेल सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित, ट्रैक पर पानी जमा होने के कारण अब तक 8 ट्रेनें हुई रद्द। शहर में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात, पेरुम्बकम में सड़कों पर चल रही है नाव, अस्पताल में पानी भरने के बाद मरीजों को बाहर निकाला गया। चेन्नई समेत तमिलनाडु में कई शहरों में बारिश का तांडव, बाइक समेत पानी की तेज धारा में बहा एक युवक, स्थानीय लोगों ने जान पर खेलकर युवक को बचाया। चेन्नई में बॉयज हॉस्टल के पास सड़क पर बहने लगी पानी की तेज धार, रस्सियों के सहारे सड़क पार करते दिखे छात्र। चेन्नई में बारिश का कहर झेल रहे लोगों के लिए बेंगलुरु में प्रार्थना यज्ञ और हवन कर लोगों की सलामती के लिए मांगी गई दुआ। चेन्नई के अलावा तमिलनाडु के कई दूसरे शहरों में बारिश से जनजीवन बेहाल, बारिश में अब तक 188 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। बीएसएनएल ने एक हफ्ते के लिए माफ किया फोन बिल। तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश के भी कई शहरों में भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, नेल्लोर समेत कई शहरों में बाढ़ के हालात। देवरिया में पंचायत चुनाव के दौरान हिस्सा, प्रत्याशी समेत उसके तीन भाइयों पर लाठी डंडों से हमला, एक की हालत गंभीर, विरोधी पक्ष के लोगों पर हमले का है आरोप। कौशाम्बी में पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान मत्र पत्र फाड़े जाने पर बवाल, पत्थरबाजी में घायल सिपाही, भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने किया बल प्रयोग। आजमगढ़ में पंचायत चुनाव के दौरान कई जगहों पर हिंसक झड़प, छतरपुर दलेर गांव में एक गाड़ी में तोड़फोड़, ड्राइवर समेत दो लोग हुए घायल। मुजफ्फरनगर में प्रधान चुनाव की वोटिंग के दौरान दो प्रत्याशियों के समर्थकों में झड़प, भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस ने चलाई लाठियां। रामपुर में पंचायत चुनाव के दौरान वोटरों को रुपए बांटने के आरोप में महिला प्रत्याशी का पति गिरफ्तार, 20,000 कैश के साथ हुई गिरफ्तारी। गोंडा में पंचायत चुनाव के दौरान एक पोलिंग बूथ पर फायरिंग, गोली लगने से एक शख्स की मौत, एक महिला समेत दो गंभीर रूप से घायल। एटा में भी पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा, मतदान केंद्र पर दो गुटों के बीच फायरिंग में दो लोग घायल। आज तक की खबर का हुआ असर, शाहजहांपुर के कटिया जम्मू गांव में 50 साल बाद महिलाओं ने किया मतदान। लखनऊ में कूड़े के ढेर में धमाके में युवक की मौत, पुलिस मामले की कर रही है जांच। मथुरा में तहसील कर्मचारी और उसके बेटे ने एक वकील के मुंशी की जमकर पिटाई की, घायल मुंशी अस्पताल में भर्ती। कानपुर से लापता हुई नाबालिग लड़की का 7 दिन बाद भी कोई पता नहीं, पुलिस से नाराज घरवाले पार्क में धरने पर बैठे। बलिया में दुकान के बाहर बैठे दो युवकों पर बाइक सवार बदमाशों ने तेजाब से हमला कर दिया, हमलावरों का अभी तक कोई अता पता नहीं, कोई सुराग नहीं। मंगलवार को अमरोहा में तेज बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठे बच्चों पर गिरी बिजली, 3 बच्चे हुए घायल। शाहजहांपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय में राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन, कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने कहा, बच्चों ने नेताओं को दिखाया आईना। यूपी के परिवहन मंत्री यासर शाह ने बहराइच से दिल्ली तक वोल्वो बस सर्विस को दिखाई हरी झंडी, लखनऊ कानपुर आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचेगी बस। जालौन में चुनावी रंजिश में प्रधान पद के प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या, हमलावर मौके से फरार। बागपत में पंचायत चुनाव में खड़ी अपनी पत्नी को वोट नहीं देने पर उसके पति ने साथियों के साथ मिलकर एक घर में की फायरिंग, 2 महिलाएं और एक शख्स घायल।
जौनपुर में पंचायत चुनाव के दौरान फर्जी मतदान को लेकर दो गुटों में बवाल, गुस्साए लोगों ने दो पुलिस जीप समेत तीन वाहनों को आग के हवाले किया। बहराइच में पोलिंग बूथ पर धांधली रोकने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने ईंट पत्थर से किया हमला, एसएसपी एसएचओ समेत चार पुलिस वाले हुए घायल। मैनपुरी में दर्दनाक हादसा, मैजिक गाड़ी बाइक को रौंदता हुआ एक ट्रक बेकाबू होकर घर में घुस गया, हादसे में एक महिला समेत दो की मौत, छह लोग घायल। सासाराम में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, एक किराए के मकान में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, पुलिस ने सात लड़कियों समेत 14 ग्राहकों को भी गिरफ्तार किया। औरंगाबाद में पेशी के दौरान भाग रहे अपराधी को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने पकड़ा, पुलिस की गिरफ्त से हुआ था ये फरार। बेगूसराय में आंगनबाड़ी केंद्र में दर्दनाक हादसा, छत गिरने से आधा दर्जन बच्चे घायल, सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सत्ताईस अप्रैल को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया सकाब, दसवीं के छात्र की हत्या की पुलिस ने सुलझाई तो थी, डाल्टनगंज ले जाकर कर दी गई थी इस छात्र की हत्या। बिहार में शराबबंदी की घोषणा से कटिहार की महिलाओं में खुशी, नीतीश के समर्थन में लगाए सभी ने नारे। समस्तीपुर रेल डिवीजन में तैनात इंजीनियरों का सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में प्रदर्शन, दो दिनों तक ड्यूटी से गायब रहने का किया फैसला। पटना के गांधी मैदान में चल रहे पुस्तक मेले का समापन, गांधी मैदान में लगे बुक फेयर के बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद भी पहुंचे। धनबाद में पानी की कमी से परेशान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ खुला मोर्चा, विरोध में बुलाया बंद, बंद को स्थानीय विधायक का भी मिला समर्थन। जमशेदपुर के टाटा चिड़ियाघर में इसराइल से लाए गए चार जेब्रा, 30 दिनों तक डॉक्टर्स की निगरानी में इन जेब्रास को रखा जाएगा। देवघर में जाने वाले श्रद्धालुओं को अब अपने साथ गंगा जल लाने की जरूरत नहीं, वहां के डाकघरों में निश्चित राशि जमा करके आप ले जा सकते हैं गंगा जल। अलवर में कांग्रेस के नेता प्रमोद आर्य की अवैध इमारत पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल की तैनाती में कर दी गई कार्रवाई। बाड़मेर में युवक की हत्या को लेकर जारी धरना प्रदर्शन खत्म, चार दिनों से शव को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे लोग। अजमेर में नगर नियोजक और सहायक नगर नियोजक रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा। झालावाड़ में बस पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने के चक्कर में एक शख्स की गई जान, सड़क पर गिरने से सिर में लगी चोट, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, मौत हो गई। अजमेर में अस्पताल के डॉक्टर्स की हड़ताल का असर, प्रशासन ने अस्पताल के पास डीजे बजाने पर लगा दी पाबंदी। राजस्थान के बारा में प्रेमी जोड़े ने पेड़ से लटक कर दी अपनी जान, पुलिस मामले की जांच में जुटी, आत्महत्या का शक। जोधपुर कृषि मंडी के सामने एटीएम मशीन उखाड़ कर ले गए बदमाश, भारी होने की वजह से कैश बॉक्स छोड़कर फरार हुए, पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। अलवर के पास दिल्ली जयपुर हाईवे पर तलाशी के दौरान एक ट्रक से 15 ऊंट बरामद, तस्करी के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा ले जाया जा रहा था, तीन लोग गिरफ्तार। अलवर में फाइनेंस कंपनी के दो कर्मचारियों से हथियार के दम पर लूट, रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हुए बदमाश। सवाईमाधोपुर में मौसम की बेरुखी से अमरूद की खेती हुई बर्बाद, किसानों के अरमानों पर फिर गया पानी। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों में शहरों में पटेल आंदोलन का नहीं दिखा कोई असर, सभी छह महानगरों में खिला कमल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जमकर जश्न। ग्रामीण इलाकों और कस्बों में बीजेपी को हुआ नुकसान, जिला पंचायत में कांग्रेस ने बनाई बढ़त। सोमनाथ में एक स्कूल में तेंदुए के घुसने से अफरा तफरी, वन विभाग के लोगों ने काबू में कर बाहर निकाला। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, विजिटर्स बुक में मंदिर को प्रार्थना के लिए बताया उत्तम स्थल। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा सयाजी रत्न अवार्ड से सम्मानित, वडोदरा में एक समारोह में दिया गया सम्मान।
जींद में अपने प्रेमी के साथ शादी रचाने के लिए एक मां ने अपने दो बच्चों की हत्या कर दी, महिला पुलिस की गिरफ्त में। रोहतक में खेत में सो रहे 60 साल के बुजुर्ग का खून से लथपथ मिला शव, घटनास्थल पर दिखे जानवर के पंजों के निशान, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुड़गांव में स्कूली छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, महिला रैपिड एक्शन फोर्स ने 150 से ज्यादा स्कूली छात्राओं को दी ट्रेनिंग। रोहतक में मेहमान बनकर आए शख्स ने सगाई से चुराए 2.5 लाख के गहने, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। फरीदाबाद में बच्चे के पेट से निकले चुंबक के 29 टुकड़े, घड़ी का एक सेल और 5 पैसे का एक सिक्का भी निकला। पेट दर्द की शिकायत के बाद बच्चे को अस्पताल में कराया गया था भर्ती, ऑपरेशन के बाद निकला है सारा सामान। शिवनी में 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए सरकारी बाबू गिरफ्तार, घर में फ्रिज में छिपाकर रखी थी काली कमाई, लोकायुक्त की टीम ने की छापेमारी। शिवपुरी में इस युवक की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत, बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर थाने ले गई थी पुलिस। बुरहानपुर में एक स्कूली टीचर पर बेरहमी से पिटाई करने का आरोप, आरोपी टीचर सस्पेंड। भोपाल में खेल अलंकरण समारोह में टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को नहीं बुलाने पर खेल विभाग की सफाई, सानिया ने चार्टर प्लेन के अलावा मेकअप आर्टिस्ट के लिए 75,000 रुपए की थी मांग। भोपाल गैस पीड़ितों को शारीरिक रूप से लाचार बच्चों ने दी श्रद्धांजलि, कैंडल जलाकर विशेष प्रार्थना का किया गया आयोजन। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर राहगीरों को लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश, एडीएम के परिवार को भी बनाया था इन लुटेरों ने अपना निशाना। देहरादून में हैवान बना एक शख्स, पत्नी को मारने में नाकाम रहने पर उसे जलाया, महिला की हालत नाजुक। रुड़की के पास टेम्पो से टक्कर के बाद गंग नहर में गिरी घोड़ा बग्घी, हादसे के समय बग्घी में कोई सवारी नहीं थी, घोड़ों को लगी चोटें। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में सोलर एनर्जी प्लांट लगाने की योजना को दी हरी झंडी, 23 संस्थाओं के साथ हुआ है बड़ा करार। ऋषिकेश में असहिष्णुता पर छिड़ी बहस को लेकर पूछे सवाल पर बोले विश्व जागृति मिशन के संस्थापक स्वामी सुधांशु जी महाराज, कहा हिंदुस्तान से ज्यादा सुरक्षित कोई देश नहीं। जगदलपुर में पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्र कैद, 10 साल की बेटी की गवाही को अदालत ने माना सबसे ठोस सबूत। बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए ब्रेड ऑपरेशन चलाएगी पुलिस, नक्सल प्रभावित इलाकों में तेज करेगी ऑपरेशन। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में पीएलजीए की स्थापना दिवस को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, नक्सलियों के हमले की आशंकाओं को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। छत्तीसगढ़ के कोड़ा गांव में एक शख्स पर छेड़खानी का आरोप, गिरफ्तारी के बाद 7 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया ये शख्स। मुख्यमंत्री रमन सिंह की अपने मंत्रियों को हिदायत, लोगों के साथ विनम्रता से पेश आने के लिए कहा। आसनसोल में बंद पड़ी फर्टिलाइजर की फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। मुर्शिदाबाद में सवारी बिठाने को लेकर ऑटो चालक और ई रिक्शा चालकों में झड़प, कई वाहनों में हुई तोड़फोड़। वर्धमान में एक खेत से कंकाल मिला, स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी खबर, इलाके में तनाव। कोलकाता में एक स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट करने के अदालत के फैसले के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कुमारग्राम में बीएसएफ ने 20 लाख की कीमत के कुछ कछुएओं की खाल जब्त की, तस्कर भागने में कामयाब रहे। लंदन से आ रही है ये खबर, बीबीसी का जो दफ्तर है उसे खाली करवाया गया है, दफ्तर में एक संदिग्ध गाड़ी के घुसने की खबर आई थी, पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो